हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज बहुत ठंडा लगा मेरे को। आज पता हम सुबह उठे थे पर हम नाश्ता नहीं बनाए, हम लेट से नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो आलू का सब्जी और रोटी, बहुत ठंडा था। पता हम सुबह उठे ना, हमको इतना ठंडा लगा, फिर हम बैठ के जाते। आज लेट हो गया है मेरा, तो जल्दी बना लेते हैं। संडे है, जन शुरू करेगा अपना छत का सफाई। तो सॉरी, आज संडे तो नहीं है, आज कौन सा संडे? सैटरडे। आज सैटरडे, आज अंशु ऋषु सब छत का सफाई करेगा। तो मम्मी देखिए कैसे सफाई कर रहा है। अंशु लोग क्या कर रहे हैं आज? अंशु लोग पूरा काम कर रहा है। ऋषि हंस रहा है। ऋषि काम करते करते भी इतना खुश है। ठीक है, तुम लोग काम करो, हम अपना चाय एंजॉय करते। तो हम बैठ के क्या हो गया? चींटी लग गया है, उसीलिए पेट खराब हो रहा है। नहीं, इतना अच्छा पेड़ में चींटी लग गया। आज हम लोग पूरा छत साफ हो जाएगा, अच्छा लग रहा था, क्लीन हो जाएगा। तो अकेले तुम इतना किया मिट्टी? अकेले अकेले? और तुम भी, तुमको तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है ना? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है? हेलो, और सारा प्लांट सिर्फ इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहाँ फ्रंट में दिखिएगा, इला खराब हो गया था उस दिन, उसमें पानी नहीं डाले थे। अरे टमाटर, फूल गोभी, मिर्ची, ये सब हम लगाए थे। ये बैगन, ये भी हम लगाए थे। कल टिम्मी इस पे चढ़ गई थी, देखो टिम्मी का पैर का निशान। तुम गेट पे उसको बंद कर दिया था ना। ये भी मिर्ची है, ये भी बैगन है, ये बैगन है। क्यों बेटा कर दिए? बस ये लास्ट काम है। ये वाला फ्लावर बहुत अच्छा है, तो इसको वहाँ पे रखने जा रहा है अंशु, फ्रंट पे, तो बाहर से दिखेगा। गिरेगा नहीं ना नीचे? नीचे गिरेगा नहीं ना? तो ये वाला प्लांट बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से दिखेगा रोड से, उसलिए अंशु यहाँ पे रखा है। तो हम अब सारा प्लांट में पानी दे देते हैं। छत का तो साफ हो गया, क्लीन। तो हम लोग का छत पूरा क्लीन हो गया, हम लोग जा रहे हैं नीचे। ये तो सूखने दिए मिट्टी तो, और ये वाला इसमें भरती है, और पूरा छत ऑलमोस्ट साफ हो गया, और इसको यहाँ किए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, और इतना सारा कचरा हम लोग जमा किए, वो कल फेंकेंगे, आज नहीं। तो अब चलते हैं नीचे, आते हैं अंशु को। नीचे झुक, नीचे झुक, लंबा है छोटी है। तो अभी अंशु बोल रहा है हम बड़ा बाल करेंगे और चोटी बनाएंगे। तो कमेंट करिए कि बड़ा बाल में चोटी में कैसा लगेगा। तो हमारा बचपन का फोटो है चोटी वाला, अंशु का पहले इतना लंबा लंबा बाल, तो उसको बचपन में चोटी कर देते थे। अभी फिर अंशु को वही शौक लगा, तो अंशु फिर बड़ा बाल करना चाह रहा है। नहीं लगा है, ऐसे अच्छा लगता है, आजकल का स्टाइल है वो। कोई स्टाइल नहीं, गंदा। वैसे कोई स्टाइल है चोटी बनाना? जो पापा बुला रहे हैं, चलिए अब ये लोग सबको नहा ले, हम जा रहे फ्रेश होने। और आज हम नाश्ता भी नहीं किए हैं, अभी 1 बज गया है, अब हम एक बार लंच ही करेंगे। अंशु भी नहीं खाया कुछ भी, ऋषु खा लिया, वो तो आधा में भाग आया था। अब हम जाते हैं नहाने, फ्रेश होने, उसके बाद नाश्ता और लंच एक ही साथ करेंगे, ब्रेकफास्ट और लंच। ब्रंच करेंगे हम लोग। हम लोग ब्रंच करेंगे, अंशु भी और हम भी। लंच का टाइम हो गया, बट हम खाएंगे रोटी, और थोड़ा सा थका थका तो चाय बनाए हैं, चाय रोटी और सब्जी। तो रोटी सब्जी खाते, चावल भी बनाए, बट हमको चावल खाने का मन नहीं, तो रोटी खाएंगे, रोटी सब्जी खाएंगे। चलिए हम खाना खाते हैं उसके बाद। और मैं तो कुछ काम नहीं, छत साफ करते करते ही लेट हो गया, नहीं तो आज जल्दी हो गया था मेरा सारा काम। चलिए खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। बैग तो अब दोपहर में हम लोग तो एक ही बार खाना खाए थे, अब खाना नहीं खाए, तो थोड़ा शाम जैसा हो रहा है। तो अभी आज सैटरडे है, तो हमको मंदिर भी जाना है, और आज हमको अपने भैया से मिलने जाना है। तो मेरे भैया यहाँ से
जाते यहाँ से पास होते तो हम जाते उनसे मिलने, तो सोच रहे थे खाना बना लेते फिर जाएंगे आराम से, क्योंकि उन लोग का आते आते रात हो जाएगा, तो फिर वहाँ से आके फिर खाना नहीं बनाने का मन करता। तो भी हम जा रहे हैं खाना बनाने, आज हम बनाएंगे सत्तू का पराठा। आज सैटरडे है तो सत्तू का पराठा बनाएंगे। पूरी बनाते क्या रिश्यो? पूरी बनाते क्योंकि पराठा तो कोई खाएगा नहीं, जाते सत्तू का पूरी बना लेते फट से, फिर जाएंगे मिलने अपने भैया से, क्योंकि मेरे भैया घर नहीं आते, यहाँ से चल जाते हैं मिलके। तो ऐसे रोड पे मिलना अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए हम कभी ब्लॉग में नहीं दिखाते कि मेरे भैया आए और मिले, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना वो। तो चलिए हम तो मिलेंगे, मेरे भैया आए तो हम जाएंगे मिलने, तो पहले खाना बना लेते उसके बाद फ्री होके जाएंगे। फटाक सत्तू का पराठा बनाते पूरी बनाते फिर जाते हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं ट्यूशन, तो मम्मी यहाँ पर बना रही है सत्तू का पूरी। सत्तू का पूरी, रोटी नहीं पूरी, हमको तो सूखा रोटी बनाती है, मम्मी कहेंगे क्यों सूखा रोटी खाएगा? मम्मी नहीं पसंद है। इधर मम्मी बना रही है और यहाँ पर एकदम बढ़िया सब देख, ये मुझे चटनी बहुत दिन बाद खा रहा हूँ तुम्हें, इसका रेसिपी सॉस में दिया गया है। टमाटर का चटनी खा रहे हैं, बहुत बढ़िया लगता है। मम्मी आप बनाइए, हम जा रहे हैं ट्यूशन, फिर हम मंदिर जा रहे हैं ना, फिर आज मंदिर है, फिर मामा से ही मिलने जाना है। तब आज हम लोग को बहुत काम है, तो मेरे से खाना बना लेते फिर जाते। तक के लिए बाय। खाना बन गया, तो ये सत्तू का पराठा और ये तो आप मेरे शॉर्ट्स में देख ली होंगी, तो ये टमाटर का चटनी। तो अभी खाना बना के हम जाएंगे, क्योंकि फिर आके मन नहीं करता बनाने का। तो खाना बना के जा रहे हैं, अब वहाँ पर थोड़ा सा बैठेंगे बात करेंगे, फिर आज शनि मंदिर भी जाएंगे। तो शायद अंशु नहीं आ पाएगा, अंशु ट्यूशन गया है और मेरे भैया अभी जा रहे, तो अभी जाते तो शायद अंशु नहीं मिल पाएगा मामा से। कोई बात नहीं, तो हम चलते हैं। खाना हम अंशु रूम के लिए रोटी नहीं बनाए, आके बनाते, ये बना के जाते नीचे। चले भी गए तब हम लोग जा रहे घर, नहीं पहले शनि मंदिर जाएंगे वहां पे प्रणाम करेंगे फिर उसके बाद घर जाएंगे। और थोड़ा रात हो गया है तो अंशु सबके लिए खाना निकाल रहा है, तो थैंक यू अंशु, तो सबका प्लेट अंशु लगा रहा है। खाना तो हम वैसे बना के ही गए थे, तो रात भी हो गया काफी और ठंडा ही बहुत नीचे है, भी रोटी हो रहा है, नीचे भी है, नीचे ढेर हो खाएगा भी, खाना खाते हैं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तो बाय, गुड नाइट, बाय। अंशु फेवरेट चटनी बनाया है, सब्जी है ऊपर में? नहीं ऊपर नीचे सब्जी होगा।